पंजाब नेशनल कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, विकास सुरवानी साहब, मीर साहब, मेरी क्यादत नेशनल लीडरशिप है, मैं उसको शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने शायद पहली बार जम्मू कश्मीर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक नुमाइंदगी यहाँ से पैदा की। एक जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को लेने के बाद में ये पहला दौरा हमारा कल से जम्मू कश्मीर था और लोगों में एक खुशी की लहर है कि जम्मू कश्मीर से एक जमीनी सतह का वर्कर जिसने 40 साल का पीरियड दिया है कांग्रेस को और उनको दिल्ली में नुमाइंदगी दी है, उसके लिए वर्कर्स में जोश है। किस तरह से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो आने वाले चुनाव है, असेंबली इलेक्शन आने वाले चुनाव, जैसे अभी किस तरह मजबूत है? हम तो ये मानते हैं कि भारत में पूरा हिंदुस्तान अब 2024 में मरकजी सरकार में बदलाव लाने के लिए तैयार है और उसमें सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर रहेगा, क्योंकि जितने जुल्म, जितना इंतहा का मतलब जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों पर इस भाजपा सरकार ने किया और जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कोई मौका आए, जब हमारे हाथ में आएगा हम जमहूरी तरीके से उस सरकार को जवाब देना चाहते हैं, यहाँ से शिकस्त देना चाहते हैं। अब लोकल बॉडी नहीं किया, पंचायत नहीं किया, अभी असेंबली नहीं किया, लोकसभा आ रही है, हमें पूरा भरोसा है लोकसभा के 5 के 5 सीटें यहाँ से कांग्रेस के गठबंधन को मिलेगी। ग्राफ कोई 24 घंटे में नहीं कम हुआ। अगर उनको याद होगा 1990 का पीरियड और क्या हालात थे यहाँ पर, और फिर 96 से 2002 तक कंट्रोल हुआ, 2002 से 8 तक कंट्रोल हुआ, 8 से 14 तक कंट्रोल हुआ, 14 से भी लगातार सेंट्रल स्टेट मिल करके यहाँ पर अमन बहाली का काम करते रहे। तो ऐसा नहीं कि बस भाजपा दिल्ली में आई और यहाँ ये राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसी से हो गया, ये लोगों के जहन में जनरेशन में बदलाव आया, नए नौजवान आए, नए सोच के साथ आए, पढ़े पढ़ा लिखा बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो नौजवानों ने खुद भी एहतियात किया गलत रास्ते पर जाने से, जिसका धीरे 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 कंटिन्यूसली पिछले 20 साल से जो काम हुआ उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आज दिख रहा है, मगर ये किसी एक पार्टी या किसी एक फर्द का काम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये क्रेडिट जाता है, खासकर नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को जो अब बड़े बड़े ऑफिस पर जाना चाहते हैं, वो नया नशा जो नौजवानों को लगा, दैट हैज चेंज द एटमॉस्फेयर। इतना मजबूत दावा है उनको असेंबली से क्यों भागे? वो चाहे कितना भी करे, पहले भी क्रशिया, आज भी करे, कल भी करे, मगर जम्मू कश्मीर की जनता को ऐसा करना है, तो जनता तैयार बैठी है कि मौका आ जाए, वोटिंग करने आ जाए, उनकी आंखें थक जाएंगी इतना उनके आगे में वोट करे। सर क्या कहना चाहते हैं कि आज बनिहाल के धरते पे आए? ये बड़ी खुशी है यहाँ आने की, ये पहाड़ियों में, कश्मीर की वादियों में ऐसा कह सकते हैं, और मीर साहब हैं, कर्रा साहब हैं, और वकार जी यहाँ बड़े पॉपुलर है, और इसलिए ये जो हम देख रहे हैं ये आवाम में जो उत्साह है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आने वाला समय ये 2024 की साल आवाम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस इनके लिए बड़े जोर से काम करेगी, प्यार से काम करेगी, इनके साथ मिल के काम करेगी, इनकी राय मशवरा लेके काम करेगी, और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के साथ साथ असेंबली का भी चुनाव हो, और ये चुनाव में कांग्रेस अपनी अलायंस पार्टी के साथ जीत के यहाँ सरकार बनाए और जनता की, लोगों की, आवाम की सरकार बने और लोगों के मूलभूत जो प्रश्न है, मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए सब काम में लगे। तो उसके बारे में आप उनको ही पूछिए, बेटर युवा स्कीम पता चलता है कि उनकी कितनी चलती है, कितनी चलेगी। मैं ही जीतूंगा, मैं ही सरकार बनाऊंगा, लेकिन ये आवाम जो दिख रहा है, जो प्यार दिख रहा है,
जो उत्साह उमंग दिख रहा है ये बता रहा है कि कांग्रेस हो रहा है कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही सरकार बनाऊंगा, लेकिन ये आवाम जो दिख रहा है, जो प्यार दिख रहा है, जो उत्साह उमंग दिख रहा है, ये बता रहा है कि कांग्रेस और अलायंस यहाँ सरकार बनाएगी।